हर किसी एक सब्सक्राइब कहना है कि मैंने अपनी वर्डप्रेस साइट के अंदर अष्टा थीम यूज की है। अब मुझे अष्टा थीम के अंदर कस्टम फॉन्ट यूज करना है। मैं इंटरनेट से कोई फॉन्ट डाउनलोड करूं या मेरे लैपटॉप कंप्यूटर में कोई फॉन्ट हो, मैं उसे अपने अष्टा थीम के अंदर इंस्टॉल करके उसका यूज करना चाहता हूं। तो ये कैसे कर सकता हूं, कौन सा प्लगइन यूज करूं, क्या है तरीका, तो जानने के लिए सीखने के लिए इस वीडियो को कंटिन्यू शुरू से क्लास तक जरूर देखें। इसका दोस्तों आप देख रहे हैं बेसिक कंप्यूटर हिंदी। तो यहाँ से हम इंटरनेट से एक फॉन्ट डाउनलोड करेंगे, उसे हम यूज करेंगे डाउनलोड फ्री फॉन्ट्स। तो यहाँ से हम फॉन्ट को डाउनलोड करेंगे कोई भी कर्सिव वाला। तो यहाँ पर काफ़ी फॉन्ट हैं, यहाँ पर हम इस फॉन्ट को डाउनलोड करेंगे और इसका यूज एक्स्ट्रा थीम के कंटेंट में करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये फॉन्ट डाउनलोड हो चुका है। अब इसके लिए आपको करना क्या है, एक एक्स्ट्रा थीम में आपको एक प्लगइन इंस्टॉल करना है, तभी आप ये फॉन्ट का यूज कर पाएंगे, ओके। तो उसके लिए हम वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में लॉगिन होंगे। यहाँ पर लेफ्ट साइड में वर्डप्रेस की सेटिंग आएगी, यहाँ प्लगइन ऑप्शन, यहाँ पर हम ऐड न्यू प्लगइन पर हम क्लिक करेंगे। यहाँ पर एक प्लगइन इंस्टॉल करना है, प्लगइन का नाम है कस्टम। आपको इस वाले प्लगइन को इंस्टॉल करना है, काफ़ी अच्छा प्लगइन है, ये आपके फॉन्ट को किसी भी थीम में इंस्टॉल कर देगा, ठीक है। तो एक्स्ट्रा थीम की रिक्वायरमेंट है, तो ये प्लगइन कंफर्टेबल है। इंस्टॉल नाउ बटन पर क्लिक करके इस प्लगइन को इंस्टॉल करते हैं, एक्टिवेट कर लेते हैं। एंड प्लगइन एक्टिवेट होने के बाद इसकी सेटिंग आएगी, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको फॉन्ट को अपलोड करना है जिसे आप यूज कर रहे हैं, ठीक है। एंड यहाँ पर फॉन्ट अपलोड करने के लिए एक्स्ट्रा थीम के अंदर सबसे पहले उस फॉन्ट को देखते हैं, उसे एक्सट्रैक्ट करेंगे। डाउनलोड में था वो फॉन्ट, ये है, इसे हम एक्सट्रैक्ट करते हैं। ये फॉन्ट है ना, ये इसको हम ओपन करेंगे, देखिए इसे हम इंस्टॉल करेंगे, ओके। तो यहाँ पर हम जाएंगे, चूज फाइल पर क्लिक करेंगे, अपलोड फाइल्स, सिलेक्ट फाइल्स, और यहाँ पर डाउनलोड, इस पर क्लिक करके ये फॉन्ट को अपलोड कर देंगे, यूज फॉन्ट। एंड दोस्तों आप यहाँ पर फॉन्ट नेम दीजिए, अगर फॉन्ट नेम नहीं देंगे तो आपको समझ नहीं आएगा आपका फॉन्ट कहाँ पर है ना। तो यहाँ पर फॉन्ट का नेम क्या है, यहाँ पर अनंडा, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ माई कस्टम फॉन्ट, ओके, ये मैं टाइप कर देता हूँ, ओके। एंड सिर्फ फॉन्ट पर क्लिक कर देंगे, ये फॉन्ट यहाँ पर पूरी तरह से सक्सेसफुली ऐड हो चुका है। अब हम थीम कस्टमाइज के अंदर जाएंगे, थीम ऑप्शन, ये है कस्टमाइज एक्स्ट्रा थीम, हम इस पर क्लिक करेंगे। अब आपको यहाँ पर टाइपोग्राफी ओपन करनी होगी, क्योंकि टाइपोग्राफी के अंदर ही कंटेंट रहता है टेक्स्ट का, एडिटिंग का, कस्टमाइज का, ठीक है। तो यहाँ पर ग्लोबल, ये है टाइपोग्राफी, तो यहाँ पर है बॉडी फॉन्ट, बॉडी फॉन्ट हम चेंज करते हैं, एडिट पे जाएंगे। यहाँ पर फॉन्ट काफ़ी सारे हैं, तो हमारा फॉन्ट नेम क्या था, कस्टम, ये था कस्टम माई फॉन्ट, इसको सिलेक्ट करेंगे। ये देखिए ये फॉन्ट हो चुका है, ये देखिए है ना, ये देखिए है ना। एंड यहाँ पर हम पब्लिश कर देंगे और यहाँ पर साइट को ओपन करेंगे, ये देखिए, एंड यहाँ पर ये देखिए, तो हिंदी की वेबसाइट है इसलिए यहाँ पर ये इस तरह कंटेंट आ रहा है। तो यहाँ मैं फॉन्ट बता देता आपको कि एक्स्ट्रा थीम के अंदर आप कोई भी कस्टम फॉन्ट यूज कर सकते हैं, आपके लैपटॉप कंप्यूटर में वो फॉन्ट आप डाल सकते हैं अपनी साइट के अंदर, या डाउनलोड करके इंटरनेट से वो उसे यूज कर सकते हैं, है ना। तो जब भी आपको ऐसी रिक्वायरमेंट हो, आपके पास कोई फॉन्ट है आप साइट में यूज़ करना चाहते हैं वो भी एक्स्ट्रा थीम के अंदर, तो आप इस प्लगइन की हेल्प ले सकते हैं। प्लगइन का नाम है कस्टम फॉन्ट, जो मैंने आपको बताया था, ये प्लगइन है, ठीक है। आशा करते हैं वीडियो काफ़ी हेल्पफुल लगा दोस्तों, इसी तरह की हेल्पफुल वीडियो के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। धन्यवाद।